तो सो अगर हम बात करें HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, तो आप उससे सभी लोग फैमिलियर होंगे, यानी कि आप सभी लोग उससे परिचित होंगे ही। सभी लोग हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में तो जानते ही होंगे, और जिसके पास कंप्यूटर, किसी के पास जो है हार्ड डिस्क जो होती है उसमें 250 GB की यानी 250 GB की होती है, किसी के पास 512 GB की होती है, किसी के पास 1 TB या फिर उससे भी ज़्यादा की होती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जब पहली हार्ड डिस्क ड्राइव बनी थी 1956 में, IBM एक कंपनी थी उसके द्वारा बनाई गई थी। जी दोस्तों, IBM का एक कंपनी थी उसके द्वारा हार्ड डिस्क ड्राइव बनाई थी, जिसमें हम केवल 5 MB का डाटा स्टोर कर सकते थे। जी हाँ, तो केवल 5 MB, तब के लिए अगर हम तब सोचे तो तब के लिए वो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर हम आज के जमाने में उसको कंपेयर करें तो आज के लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर हम एक फोटो क्लिक करते हैं ना तो वो भी 2 MB की चली जाती है। तो सो आप सोच सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और इतना ही नहीं, वो जो हार्ड डिस्क ड्राइव पहली बार बनी थी 1956 में, उसके अगर हम वेट की बात करें तो वो बहुत हैवी वेटेड थी। जी हाँ, तो वो 2200 पाउंड की थी, 2200 पाउंड की थी वो। और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक कार्गो प्लेन का यूज़ किया गया था। अगर हम बात करें आज के टाइम की जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, एक कार्गो प्लेन में बहुत सारी हार्ड डिस्क ड्राइव आ सकती हैं और इसमें हम बहुत ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।